नमस्कार, आप लोग के हमारे चैनल ऑनलाइन सीखे ए टू जेड पे स्वागत है। आज का न्यूज़ सहारा से लेकर आए हैं जो कि बहुत बड़ा अपडेट है। और एक नेटफ्लिक्स जो बहुत बड़ी कंपनी है जो कि वेब सीरीज लॉन्च होता है, तो एक सहारा पे उसको सच्चाई दिखाया गया है कि सहारा के एजेंटों और सहारा के निवेशकों के साथ क्या किया जाता है। तो चलिए पूरी खबर को जानते हैं। इससे पहले कि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सहारा का पल पल का न्यूज़ आप लोग को मिलते रहे। तो चलिए न्यूज़ 18 की तरफ से ये न्यूज़ निकल के आया है। सहारा समूह ने की नेटफ्लिक्स पर बैड बॉय बिलियनेयर्स वेब सीरीज पर रोक लगाने की मांग। सहारा समूह ने गुरुवार को नेटफ्लिक्स पर बैड बॉय बिलियनेयर्स पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही कंपनी को हल्के और शोध अधीन सामग्री का कार्यक्रम को हटाने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। सहारा ग्रुप ने गुरुवार को नेटफ्लिक्स पर बैड बॉय सीरीज इंडिया पर रोक लगाने की मांग की है। साथ में ऑनलाइन मनोरंजन कंपनी के हल्के शोध और आधारहीन सामग्री को कार्यक्रम से हटाने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। सहारा समूह का आरोप है कि नेटफ्लिक्स के इस कार्यक्रम का उद्देश्य उसकी छवि और नुकसान पहुँचाने का दिखाई देता है। सहारा परिवार के प्रवक्ता नेटफ्लिक्स से की मंशा है पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पूरी फिल्म झूठी और पुलिंदा है। इसमें तत्वों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है और नेटफ्लिक्स की सहारा समूह की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। सहारा समूह ने कहा है कि वेब सीरीज को गलत तरीके से दिखाया गया है कि कंपनी चीट फंड पर कारोबार करती है और साथ में फिल्म में गलत आरोप लगाया गया है कि समूह ने एक बयान में कहा है कि यह पूर्णतः गलत है कि हम कभी भी चीट फंड कंपनी नहीं रहे हैं। 20 साल से भारतीय रिजर्व बैंक के नियम और फर्म और सोसाइटी रजिस्टर के नियम के तहत काम कर रहे हैं। इसके बाद हमने कॉर्पोरेट के मामले मंत्रालय के तहत भी काम किया है। अब हमारे कर्मचारियों ने आगे कदम बढ़ाया है और अपनी कृषि मंत्रालय के नियमन के तहत सहकारी सम्मिलित चल रही है। सहारा समूह ने कहा है कि सहारा किसी भी योजना में चाहे खाता जारी हो तथा अथवा बंद चल रहा है, एक पैसे की जब्ती नहीं हुई है। फिल्म में दिखाया गया है कि कंपनी के एजेंटों गांव में जाना बंद कर देते हैं। जब तक उनका खाता का योगदान बंद हो जाता है तो खाता धारक को पत्र मिलता है कि उनकी राशि जब्त किया गया है। यह अब सहारा समूह की छवि को धुमली करने के लिए प्रयास किया है। समूह ने इसके बीच वेब सीरीज को कमजोर कर पर शोध आधारित है वास्तविक से पर बताते हुए फिल्म के दुनिया भर के प्रसारण पर तुरंत रोक लगने की मांग की गई है और नेटफ्लिक्स को सही सूचनाएं जुटाने को कहा गया है। सही सूचनाओं को शामिल करने के बाद प्रसारित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये नेटफ्लिक्स जो कि वेब सीरीज बहुत बड़ी कंपनी है लॉन्च करती है, तो ये सहारा निवेशकों और सहारा एजेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिन्होंने पाए पाए करके मेहनत से पैसे को इस कंपनी में जमा किया है। तो अगला वीडियो आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि नेटफ्लिक्स पे जो बैड बॉय बिलियनेयर्स का ये वेब सीरीज बना है सहारा समूह का, वो आप शायद देखना चाहते हैं उसका वीडियो, तो कैसे डाउनलोड करें और कैसे नेटफ्लिक्स पे उस बैड बॉय बिलियनेयर्स का वीडियो देख सकते हैं तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और आप लोग भी नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आप लोग कौन से शहर से हैं और एजेंट है तो अपना नंबर जरूर दें सहारा ग्रुप के। और भी मन में कोई सवाल है तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा। तो चलिए फिर कोई सहारा को न्यूज लेकर आते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल और दूसरों का ख्याल रखिए। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है।